नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे राजभवन देहरादून में शिक्षक दिवस के अवसर पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पुरस्कार मिलने वाले शिक्षकों को बधाई भी दी। साथ ही शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि को 10,000 से बढ़ाने की भी बात उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बच्चों के भविष्य को शिक्षक आकार देते हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमने शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं और नीतियां लागू की है, जिनके बारे में बहुत विस्तार से अभी शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ से बताया है। और ये नीतियां इसलिए लागू की है ताकि हम शिक्षकों को एक उपयुक्त कार्य वातावरण और साधन उनको उपलब्ध कराए जा सकें। साथ ही हमने शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वो आधुनिक समय की जो चुनौतियां हैं, नवाचार हैं, उसके साथ विद्यार्थियों को वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, ठीक प्रकार से बच्चों का कौशल विकास हो सके। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के शिक्षक न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सेवा में भी आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आप सब लोगों ने जिस समर्पण और धैर्य के साथ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है वह सराहनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कोरोना महामारी के दौरान भी आपने शिक्षा की ज्योति को बुझने नहीं दिया और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंच बनाई। यह दिखाता है कि आप केवल शिक्षक नहीं बल्कि समाज के सच्चे निर्माता भी आप सब लोग हैं। अंत में मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आज इस पुरस्कार से जो लोग चयनित हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि 2 वर्ष आप सबके और बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जीवन भर जो एक बार शिक्षक या इस क्षेत्र में आ जाता है उसका स्वभाव हमेशा बना रहता है। तो आपकी सेवाएं, आपकी सरकारी सेवा भले ही जो है पूरी हो जाएगी, लेकिन और सेवाएं आपकी अनवरत रूप से चलती रहे, मैं आप सब लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ। आपका ये जो अनुभव है, ये अनुभव समाज के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे नवोदित और उदयमान छात्र छात्राओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनकर आपका उपयोग होता रहे। आप सभी ने अपने समर्पण, परिश्रम और निष्ठा से आज इस पुरस्कार को अर्जित किया है। आप हमारे समाज के असली नायक हैं और नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने की भी जिम्मेदारी आप सभी की है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में आने वाले 10 साल उत्तराखंड के हों, उसके लिए हम सबको अपना योगदान देना है। और सच में जो शब्द उनके मुंह से निकले वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के प्रांगण में निकले थे, बाबा केदार के प्रांगण में निकले थे। और सही मायने में आज वो कई मामलों में मूर्त रूप ले रहे हैं। अभी अभी जो नीति आयोग भारत सरकार ने जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का, एसटीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में जो पूरे देश की जो रेटिंग निकाली है, उस रेटिंग में हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान के पहले नंबर का राज्य आया है। इसी प्रकार से बहुत सारे कानून हम लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, वो आज एक मॉडल के रूप में पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जाने जा रहे हैं। चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, चाहे हमारा नकल का कानून हो, या पिछले दिनों हमने जो दंगारोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का कानून बनाया है, ऐसे अनेक कानून जो हमारे राज्य की जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को
बनाए रखे, देवभूमि के देवभूमि के रूप में सुरक्षित करने का काम करें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से आज आग्रह करता हूं कि आप सभी उत्साह और समर्पण के साथ आगे भी, आगे आने वाले कालखंड में भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे और समाज को शिक्षित और समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। आज मैं देख रहा था कि ये शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो राशि है 10,000 रुपये है, काफ़ी सालों से 10 ही हज़ार है, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि ये 20,000 रुपये होगी। और इसी के साथ आप सबका, ये आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह संवाद कार्यक्रम में शिरकत भी की है और इस दौरान तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं सांसद नरेश बंसल और विधायक खजान दास, विधायक विनोद चमोली, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के पदाधिकारी पुनीत मित्तल भी इस बैठक में शामिल हैं और साथ ही सिद्धार्थ अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल हैं। धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक को टिफिन बैठक का नाम भी दिया है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बातें भी इस दौरान सुनी गई हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान की हरिद्वार जिले में भी लॉन्चिंग की जा चुकी है। इस दौरान हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। तो आपको बता दें कि सदस्यता अभियान का कार्यक्रम लगातार जारी है, ऐसे में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदस्यता ली है और साथ ही कई कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान सदस्यता दिलाई गई है। जो पार्टी की सदस्यता के पात्रता के योग्य हो जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई 15, 16, 17 साल का बच्चा है तो कम से कम आयु 18 साल होना चाहिए। यानी तमाम लोगों से बातचीत करके और पार्टी के बारे में भी उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो कार्यकर्ता जब उनके पास जा कर के उनको मेंबर बनाता है तो उन सारी चीज़ों को भी सुनकर आता है। फिर कई बार स्थानीय को समस्याएं होती है, उन समस्याओं से भी कार्यकर्ता रूबरू होता है, कार्यकर्ता का अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और नए लोग पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की जो केंद्र में आरक्षण मिलने की मांग उठाई गई है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग संसद में उठानी चाहिए और अगर वो इस मांग को सदन में उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी उनका समर्थन करेगी। वहीं इसको लेकर महेंद्र भट्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानक तय हैं और उन मानकों के बाहर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैनखंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूँ। श्री महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि 2016 में पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस प्राप्त हुआ, हालांकि वो इस बात को, इस सच्चाई को कहने में चूके कि पूर्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने पैनखंडा को ये ओबीसी का स्टेटस दिया और उस समय सिर्फ पैनखंडा को ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी ओबीसी स्टेटस मिला, जिससे कि आज संबंधित, उन तमाम संबंधित
स्थानों पर वहाँ के निवासियों को बहुत उसका फायदा मिल रहा है और इसमें एक राठ क्षेत्र भी शामिल है। तमाम जो भी राज्य में हमारे जो संस्थान हैं उन संस्थानों में, चाहे वो राज्य के संस्थान हो चाहे वो केंद्र के संस्थान हो हमारे प्रदेश में, उन सभी संस्थानों में एडमिशन में उनको रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है। तो एक बड़ी सौगात उन क्षेत्रों को उस समय मिली, कांग्रेस की सरकार के द्वारा मिली, ये उन्होंने ये कहने से वो चूके। लेकिन फिर भी उन्होंने पैनखंडा को सेंट्रल आधार पर मतलब केंद्रीय स्तर पर भी ये स्टेटस दिलाने की बात कही। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूँ। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है, उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहां तक पैनखंडा क्षेत्र का विषय, मैंने राजस्थान विषय को उठाया। बीजेपी ने प्रदेश में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है, जिसको लेकर आदित्य कोठारी का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा जल्दी हो सकती है। ऐसे में संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर टीम गठित भी की गई है। उन्होंने कहा है कि ये टीम केदारनाथ जाकर वहाँ की समस्याओं समेत चुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी को लेकर भी मंथन करेगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आदित्य कोठारी ने बताया है कि केदारनाथ में कांग्रेस की ओर से जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को दिया जाएगा। 25 सितंबर के आसपास यूपी के 10 से यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारियां हमारी हों, हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे, इसके लिए वहां के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और हम लोग जल्दी ही केदारनाथ विधानसभा जाकर के वहां की छोटी मोटी समस्याओं को किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसके लिए एक रणनीति के साथ में हम लोग वहाँ काम करेंगे। हम लोग प्रत्येक मंडल के लिए एक एक हमने वरिष्ठ पदाधिकारी को भी प्रवासी बनाया। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ में आपदा ग्रसित क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड अभी आपदा से प्रभावित है, चमोली की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, फिर भी सदन में हमें आपदा पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने आपदा के चलते विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री ने 6 महीने का वेतन छोड़ा था, उसी तर्ज पर सरकार से अनुरोध है कि 2 महीने का वेतन आपदा के लिए देने की कृपा करें। लखपत बुटोला ने बताया है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि उनके 6 महीने का बढ़ा हुआ वेतन आपदा ग्रसित क्षेत्रों के लिए देना चाहते हैं। जो बद्रीनाथ से सम्मानित विधायक भी हैं, एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ जो है वहाँ के ग्राम पंचायत संगठन के अध्यक्ष भी हैं और उधर हमारे महामंत्री दानू जी भी बैठे हुए हैं, और मैं लखपत बुटोला जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात को आपके सम्मुख रखें। धन्यवाद। मैं पुनः कह रहा हूं कि क्योंकि मैं चमोली जनपद से आया हूं और मैंने देखा है कि जिस तरह से हमारे बगल के राज्य हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, वहां के मंत्रियों ने, विधायकों ने अपना मानदेय भत्ते सब छोड़ करके अपने आपदा में अपने राज्य के लिए खर्च कर रहे हैं, मैं यहां की सरकार से भी अनुरोध करता हूं, यहां के मंत्री और विधायकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के हित में और विशेषकर जैसे पहाड़ी राज्य क्षेत्रों के हित में वो भी अपना मानदेय छोड़ें। मैंने इसकी शुरुआत की है और मैंने 6 महीने के अपने बड़े हुए मानदेय और बच्चों को कहा है कि आप इसको आपदा के क्षेत्र में लेने का काम किए। मैंने स्पीकर महोदय को ये चिट्ठी लिखी है और मैं ये चिट्ठी उनको दे दूंगा और मैं चाहता हूँ ऑल रूपी उत्तराखंड के लिए इस तरह के काम करें। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, लिहाजा विजिलेंस की टीम ने सरकार से मंत्री पर मुकदमा लगाने की अनुमति मांगी है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर विपक्ष तंज कस रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विजिलेंस के निशाने पर हैं। इस मामले को लेकर विजिलेंस ने जोशी पर मुकदमा दर्ज को लेकर सरकार से अनुमति मांगी है। जानकारी के मुताबिक विशेष न्यायाधीश ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होनी है, यानी कैबिनेट के निर्णय लेने के बाद ही स्पष्ट होगा कि गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई होगी या नहीं। कानून अपने काम करते तो राजनीतिक दल का व्यक्ति का अध्यक्ष ना मेरा कोई विषय बनता नहीं, पार्टी का कुछ नहीं बनता। वो पार्टी के विधायक है, मंत्री है, पार्टी के विधायक है जिन्होंने अनुमति ली है कैबिनेट को डिसीजन लेना है, वो सारे विषय सरकार के आंतरिक मामले है, मुझे कुछ नहीं मतलब। पार्टी के किसी व्यक्ति पे ऐसा आरोप लगेगा, आरोप कैसे कह दूं, मारो आज के दिन कोई आरोप नहीं, कोर्ट में मामला तो चला गया। ठीक है, आप समझे, किसी व्यक्ति ने कोई विषय कहीं रखा जाता है उसकी जांच होती है, जांच के बाद चीजें तय होंगी। दरअसल इस मामले को प्रकाश में लाने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान दायर किए गए हलफनामे को आधार बनाया। इसमें गणेश जोशी ने बताया कि उनके पास लगभग 9 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में ही मंत्री की संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई। यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिसर को भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना आवश्यक है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। तमाम समाचारों में बड़ी बड़ी खबरें भ्रष्टाचार की छप रही हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस की जांच चल रही है और कल विजिलेंस न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि गणेश जोशी जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें कैबिनेट फैसला ले कि इन आरोपों की जांच आगे बढ़े या न बढ़े। अब जीरो टॉलरेंस की सरकार से मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कैबिनेट इस पर अपना फैसला लेगी और भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के आदेश देगी, निर्णय लेगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जीरो टॉलरेंस धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उद्यान विभाग में जिस तरीके से घोटाले को सरकार पहले नकार रही थी, हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच वहां भी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी जी पर लगातार आरोप लगे और विजिलेंस की जांच चल रही है। अब विजिलेंस जांच के लिए कैबिनेट के निर्णय की आवश्यकता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री धामी जी जल्दी कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और विजिलेंस को इसकी अनुमति देंगे। अब देखते हैं जीरो टॉलरेंस में कितनी जल्दी फैसला होगा। कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस मामले का फैसला कैबिनेट करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बातों ही बातों में सरकार को मैसेज देने का काम किया है। उनका कहना है कि अपना और पराया छोड़कर न्याय का साथ देना चाहिए। सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे इसके बारे में, कैबिनेट विचार करेगी क्या है, सच्चाई क्या है, तो ये सब चीज़ न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा, तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते, वो धर्म। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। किसी की सरकार में अगर मंत्री की आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगता है तो ये बड़ी बात है। अब धामी सरकार मंत्री गणेश जोशी पर क्या फैसला लेती है ये आगे की बात है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार के नासन में ब्लॉक में नवनिर्वाचित संगठन अध्यक्ष रूबी चौधरी का विरोध हो रहा है। प्रधानों के संगठन अध्यक्ष नौशाद अली ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही संगठन अध्यक्ष हैं और उनके संगठन की पूरी कमेटी बनी हुई है। आगे उन्होंने कहा है कि कुछ प्रधानों को इकट्ठा कर खुद संगठन बनाना कोई औचित्य नहीं है।
वहीं संगठन के उपाध्यक्ष ने भी इस बात का कड़ा विरोध जताया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए। ये ब्लॉक संगठन का जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो ये शुरुआत में ही जब हम बने थे तो निर्विरोध हमें चुन लिया गया था। अब उसके बाद कुछ प्रधान, देखो सभी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, कुछ प्रधान जो मुझसे मतलब विपक्ष एक हिसाब से बनाने की कोशिश यहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्रधानों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर लगभग 15-20-22 ने उन्होंने अपना एक स्वयं को घोषित कर दिया, जबकि कोरम या नियम इसका ये कहता है 63 प्रधान है तो उसका 2/3 यानी कि 42 तो मुझे हटाने के लिए चाहिए। यानी अगर 42 उनके पास है वो भी प्रेजेंट, ऐसे नहीं कि भाई मोहर लगा के एक लेटर पे लिखा मोहर लगा लिया। मोहर लगाने की तो बात ऐसी है, यहाँ देखो कोई दुश्मन तो है नहीं, सभी एक दूसरे गांव से जुड़े हुए, कोई किसी के कहने से मोहर लगा देगा, कोई किसी के कहने से मोहर लगा देगा, कोई प्रतिनिधि है, कोई स्वयं प्रधान है। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे हटाना है अध्यक्ष पद को, मुझे अगर हटाना है तो उनको 42 यानी 42 प्रधान प्रेजेंट चाहिए होगा। अध्यक्ष जब इन्होंने पहली बार प्रधान लोगों ने चुना होगा तो उसका एक कार्यकारिणी का समय होता है 2 साल का, किसी भी संगठन के 2 साल से कम का कोई चुनाव नहीं होता हमारे यहाँ जहाँ तक सवाल है। उसमें ऐसा होता है जो कुछ लोग प्रधान आज मेरे पास आए थे, उन्होंने एक प्रधानों के दस्तखत करके एक जो कागज़ दिया था, तो मैंने उनको बताया कि भाई अगर आप नए प्रधान का चुनाव करेंगे तो जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो मीटिंग बुलाएगी और आप आरोप प्रत्यारोप को वहाँ पर रखोगे, उसमें एक नोडल अगर प्रधान संघ चाहेगा तो मेडो पंचायत को भेजते हैं और उसके बाद अगली डेट उनको दी जाती है कि भाई फलाने दिन अब आपका चुनाव होना है, यही इसका प्रावधान होता है। उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है किसी प्रधानगण को, और जो चुनाव होता है उसको जो करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और ये जो मीटिंग की जो सूचना है प्रधान जी जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष है ब्लॉक संगठन के उनके द्वारा नहीं दी गई, और कोई भी प्रधानगण मीटिंग की सूचना जो नहीं दे सकता, और ऐसे जब प्रधान इकट्ठा करके कि हम भाई अध्यक्ष बन गए ऐसा ये प्रोपगंडा नहीं चलेगा, और प्रधान जी फिलहाल जो है नौशाद जी है ब्लॉक के संगठन के अध्यक्ष ब्लॉक में हैं नौशाद जी, और यही रहेंगे। और अगर चुनाव भी होता है 1% की जगह पर चुनाव होता है तो उसके दावेदार हम भी हैं चुनाव लड़ने के लिए, हम इच्छुक हैं, और जो है बस मेरी यही। रुड़की तहसील परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगा रहा है जिसको लेकर किसानों में रोष है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में फसलों को सही तरह से सही मात्रा में जल नहीं मिल पाता है। आज ये उत्तराखंड किसान मोर्चे का अनिश्चितकालीन धरना, जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा और 24 घंटे दिन रात ये धरना चलेगा। इसमें जो किसानों की जो मुख्य मांग है, बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी करी जा रही है। स्मार्ट मीटर का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हर महीने या 20 दिन में 15 दिन में रिचार्ज कराना पड़ेगा। जब जिस हालात में किसान की फसलों के भुगतान 1.5-2 साल में 2-2 साल में होते हों तो वो किसान 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में हर महीना रिचार्ज कैसा कराओगा बिजली का। अभी तक 2018-19 का इकबालपुर शुगर मिल का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहा, तो वो बताओ इकबालपुर शुगर मिल क्षेत्र के किसान जिनका भुगतान कर 20,000 किसानों का भुगतान 5-6 साल से अटकाया हो तो ऐसे में स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कैसा कराओगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।